साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट शोक चौधरी। साथियों पिछले वीडियो में दुबई से रिलेटेड फॉरमैन से संबंधित अपन ने बात की थी, आज अपन बात करेंगे कतर से रिलेटेड। जी हां साथियों, कतर में फॉरमैन से रिलेटेड अपन बात करने जा रहे हैं, तो इसमें कैसे क्या होता है शॉर्टली तरीके से अपन शुरुआत करते हैं साथियों। तो हेडिंग रखिए साथियों, कतर फॉरमैन जॉब। जी हाँ साथियों, कतर में फॉरमैन से रिलेटेड बात करेंगे। अब फॉरमैन का मतलब क्या होता है? फॉरमैन का सीधा सा मतलब होता है साथियों, कुछ वर्कर होते हैं कंपनी की तरह, एक साइड पर मान लीजिए कहीं कतर में कहीं पर भी दोहा में मान लीजिए साइड चल रही है, उस पर कंपनी का 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है वहाँ पर, या 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट है वहाँ पर, 100-150-200 मजदूर काम करते हैं। ठीक है, जैसे 50 मजदूर हो गए, 100 मजदूर के ऊपर एक मैन पावर आदमी होता है जो एक्सपीरियंस होल्डर होता है, वो उनको मेंटेन करता है। ठीक है, उसी का काम होता है साइड संभालना, यानी वो प्रोजेक्ट उसके अंडर में होता है, कंपनी उसको टेक ओवर कर देती है, वो उसको मेंटेन करता है, उसको संभालना है। कार्य का मतलब ये होता है साथियों कि फोरमैन का क्या काम होता है। ठीक है, काम सिंपल सा होता है कि जो कंपनी की तरफ से जो साइड है वहाँ पे 50-60-100 मजदूर होते हैं। ठीक है, उनको वो काम दे दिया जाता है, वो मजदूर उनके अंडर में काम करते हैं, वो उनको मेंटेन करता है, उनको बताता है कि आज आपको ये काम करना है, कल आपको ये काम करना है, कुछ अगर अब उसको कोई कमी दिखे तो उसमें सुधार करवाता है। वर्करों पर उसका पूरा टारगेट होता है कि वो उसको निगाह रखे, उससे काम कैसे करते हैं, कैसे उनको बताना होता है, समझाना होता है, बहुत सारी कंडीशन उन पर, उनकी हाजिरी वगैरह होता है, उनका सैलरी वगैरह सिस्टम के बारे में मेंटेन करना, कहने का मतलब मैनेजमेंट होता है, वो एक तरह से मैनेजमेंट होता है, और मैनेजमेंट उसी को मिलता है जो एक्सपीरियंस होल्डर होता है, उसी को ये काम मिलता है। कंडीशन क्या होती है साथियों, फोरमैन कौन हो सकता है? आप और हम तो फोरमैन नहीं हो सकते क्योंकि हम तो इंडिया पे बैठे हैं। फोरमैन वो हो सकता है कि एक कंपनी में कोई आदमी 5 साल से 10 साल से काम कर रहा है। फोरमैनी में पढ़े लिखे की कोई वैल्यू नहीं होती, मैं बता दूं आपको, आप हालांकि लोग कमेंट भी कर देंगे, ऐसा नहीं है भाई। फॉरमैन एक्सपीरियंस के आधार पे बनता है, जिनको पासपोर्ट में अंगूठा छाप है ना, वो भी वहाँ गलत में फॉरमैन है, ऐसे बहुत से केस मेरे सामने हैं। ठीक है, तो वो कोई वैल्यू नहीं रखती। जो आदमी लेबर में गया फिर फॉरमैन वो मेसन बना, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप को प्रमोशन होता जाता है, एक दिन ऐसा आ जाता है कि वो फॉरमैन वहाँ पर बन जाता है। हालांकि डायरेक्ट भी लोग फॉरमैन की जॉब में जाते हैं, उसके लिए क्या होता है कि आपको एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको कंपनी क्या है 20-30-50 लोग के साथ में उसको हेड बना देती है, और इनको वो मेंटेन करने का काम करता है, उसकी सैलरी भी उनसे ज़्यादा होती है। ठीक है साथियों, तो बस कंडीशन यही है, ज़्यादा हार्डली नहीं है। सैलरी की बात करें तो मेरे हिसाब से 2,500-3,000 कतरी रियाल, ठीक है, 2,000-2,500-2,700-2,500-3,000 के कतरी रियाल इसको सैलरी मिल जाती है, 8 घंटे ड्यूटी होती है। ठीक है, बाकी की बात करें तो रहना खाना तो कंपनी की तरफ से मिलता ही है, मेडिकल इंश्योरेंस मिल जाता है, जिससे कोई भी अगर बीमारी हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है, तो पूरा क्लेम कंपनी उठाती है, उसका वहन करती है। गाड़ी वगैरह कई कंपनियां दे देती हैं, कई नहीं देती, वाहन सुविधा मिल जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है। आने जाने का जो सफ़र होता है वो कंपनी की तरफ से मिल जाता है, आना जाना भी कंपनियां दे देती हैं, बंदा 2 साल से 1 साल से कई कंपनियां छुट्टी दे देती है, 2 महीने का बोनस दे देती है, टिकट दे देती हैं। तो सिंपल सा साथियों मेरा कहने का मतलब ये कि 8 घंटे ओवर टाइम करके बंदा 50-60-70 हज़ार रुपये फॉरमैनी में लोग कमाते हैं आराम से। कतर से रिलेटेड है, मैंने आपको कुछ जानकारी आपको दे दी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दें साथियों। कुछ अगर बातें पूछनी हैं, कुछ बातें रह जाती हैं, तो आप कमेंट करें, नेक्स्ट वीडियो में उसको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है साथियों, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर रोज नए टॉपिक पर सही सही जानकारी आपको मिल सके। जय हिंद, वंदे मातरम।